हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 7.1 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5वां। 4 क्वेश्चन ने कंप्लीट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं से डाले गए लंब हैं। तो हमें बताना है कि ए पी बी और ए क्यू बी जो हैं वो हमारे सर्वांग सम हैं और बी पी बराबर बी क्यू बताना है। तो चलिए से जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम जो है वो हमने बना लिया है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि ये वाला त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, ठीक है। तो फिर से बता देते हैं क्या क्या इन्होंने हमको दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा 4। तो इन्होंने हमको क्या दिया है, ये लंब इन्होंने डाले हैं, ठीक है। इस पॉइंट से लंब डाले हैं और इन्होंने कहा ये कोण जो है ये कोण हमारा बराबर है, क्योंकि एल रेखा जो है इस पूरे कोण को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमको बतानी है। तो ये दो चीज़ें हमारी कैसी पता चलेंगी, जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, इन दोनों हम त्रिभुजों में बात करने वाले हैं। तो भाई इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज हैं कहाँ हमारे, ये हैं। अब कोई भी दो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम कब होंगे, जब उनमें दो चीज़ें जो हैं वो हमारी फॉलो होंगी, मतलब दो चीज़ें जो हैं वो हमारी सेम हों, दो चीज़ें नहीं सॉरी तीन चीज़ें जो हैं वो हमारी सेम होनी चाहिए। अगर तीन चीज़ें सेम नहीं हैं तो वो हमारे सर्वांग सम नहीं है। तो तीन चीज़ों का हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि इन्होंने सबसे पहले क्या बताया है, ये बताया है कि ये दोनों लंब पड़े हैं, तो लंब पड़े हैं तो मतलब ये भी 90 और ये भी 90। तो हम कह सकते हैं कोण ए क्यू बी बराबर कोण ए पी बी, ये दोनों कोण जो हैं बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। अब ये हमारा एंगल है तो हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी क्या बराबर हो जाएगी, कोण क्यू ए बी बराबर कोण बी ए पी, ये क्या है मैंने लिख दिया। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया है जो इन्होंने बताया था ना, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये एल भुजा जो है इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करती है, मतलब इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। तो मतलब ये कोण और ये कोण हमारा बराबर है, तो यही चीज़ हमने लिखी है। और ये चीज़ जो है इन्होंने दी है, हमको बता ही दिया है समद्विभाजित हो रही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है, ठीक है। और तीसरी चीज़ भाई ढूंढो, कोई ढूंढ सकता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है। कोई ढूंढ सकता है कि तीसरी चीज़ हमारी क्या होगी, मैं वेट कर रही हूँ, तो जल्दी से बताइए तीसरी चीज़ हमारी क्या होगी। तो बताते हैं भाई तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ जो है वो हमारी ये है, इस त्रिभुज में भी ये लाइन आ रही है, इस त्रिभुज में भी ये लाइन आ रही है, मतलब ए बी जो है वो हमारा कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये हमारी कॉमन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है। अब भाई ये हमारी भुजा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको छोटा कर देते हैं, एस लिख देंगे। ये हमारा एंगल है तो इसको भी ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ हो गई, एंगल को ए लिखा है, साइड को मतलब भुजा को एस लिखा है, ठीक है। ये हमारी भुजा है ना, इसलिए एस लिखा है। तो तीन चीज़ें जो हैं वो हमारी बराबर हो चुकी हैं, मतलब सर्वांग सम सिद्ध होने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, वो हमारी बराबर हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा पहला था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः ये हमारा ए ए एस आ बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे एक हमारा नियम होता है ए एस ए, ठीक है, सर्वांग समता, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता का नियम हमारा लग जाएगा। तो इस नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी बी जो है वो हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के, ठीक है। ये हमारे इसके सर्वांग सम हो जाएगा, भाई हमारा सर्वांग सम जो है सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। प्रूव्ड हो गया हमारा पहला वाला। अब दूसरा वाला जो है वो इन्होंने हमसे क्या कहा है, ये कह रहे हैं बी पी और बी क्यू जो है वो बराबर है कि नहीं,
हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बी पी और बी क्यू जो है भले ही हमारे चित्र में बराबर ना लग रहा हो, ठीक है, मैंने है फ्री हैंड बनाया है, ठीक है, तो फिलहाल ये पी क्यू और बी पी जो हैं वो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों ही त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं तो इनके हर चीज़ें जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख जाएगा ये। इस चीज़ से ये हमारा जो है वो बराबर हो जाएगा, मतलब दूसरी चीज़ भी जो है वो हमारी प्रूव्ड हो जाएगी, ठीक है, इसी से ही ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा समाप्त हो गया है। उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, और यहाँ से टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, साइंस जो है यहाँ से पढ़ लेना, ब्लॉग चैनल पर आना मत भूलिएगा, ठीक है।